स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला। नमस्कार, स्वच्छ भारत की कामना लिए हमारे सभी देशवासियों को मुक्ता का प्यार भरा नमस्कार और साथ साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, राग और रंग का त्यौहार है होली, और इन दोनों को ही उत्कर्ष पर पहुंचाने वाली प्रकृति भी इस वक्त चरम पर है। बसंत ऋतु है, जहाँ बागीचों में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, वहीं खेतों में इस वक्त सरसों लहरा रही है। प्रकृति के इस खूबसूरत रूप का आनंद हम और आप ले पाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सजग हो जाएं, न केवल अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि अपने आसपास की स्वच्छता के लिए भी। और होली के इस मौके पर तो खास तौर पर पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेकर या होली की तैयारियों को लेकर। अगर इन सारे सवालों के साथ आप तैयार हैं तो फिर हम करते हैं स्वागत हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमानों का। वी हैव डॉक्टर पूनम पुरी विदास, आप कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में, और उनके साथ है डॉक्टर अरविंद, आप CGHS में फिजिशियन हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। डॉक्टर पूनम, होली आने वाली है और सबसे पहले जो समस्या आती है वो अपनी त्वचा को लेकर आती है। होली हमें खेलनी है, रंगों के साथ खेलनी है, लेकिन स्किन भी बहुत सेंसिटिव होती है, कैसे तैयारी की जाए होली की? होली में जो कलर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग डाइज होते हैं, केमिकल कलर्स होते हैं, वो बहुत हार्श होते हैं स्किन के लिए। इसमें जो कुछ कलर्स होते हैं, जो लिक्विड कलर्स होते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं जिसमें मेटल्स होते हैं, जिसमें जैसे लेड होता है, कॉपर सल्फेट होता है, एल्यूमिनियम होता है, मर्करी होता है। सो इन केमिकल्स से स्किन पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे एलर्जीज हो जाती हैं स्किन पर। जब होली खेलकर लोग आते हैं तो कुछ दिनों बाद हमारी OPDs जो हैं फुल ऑफ पेशेंट्स हो जाती हैं, उनको रैश हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, कई एलर्जीज हो जाती हैं, अर्टिकेरिया छपाकी हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि आपने देखा है कि जब होली कलर्स होते हैं कुछ, उनको शाइन करने के लिए, जो सूखे कलर्स होते हैं उनको शाइन करने के लिए कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, जैसे कि माइका है, एस्बेस्टोस है, ग्लास है। और जब आपने देखा है कि जब हम विग्रसली चमड़ी पर, त्वचा पर ये कलर्स को रब करते हैं तो स्किन पे कुछ एब्रेशंस हो जाती हैं। स्किन पे जो सेंसिटिव स्किन होती है, खासकर बच्चों के स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होती है, तो उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। होली के बाद OPD फुल हो जाती है, तो क्या ये दवाइयाँ लिंगर ऑन करती हैं तबीयत ख़राब करने में? और हाँ, ये होली में जो रंग यूज होता है वो हमारे स्किन के लिए तो हानिकारक है ही, इसके साथ साथ हमारे सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती जो है, जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है, जो अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी एलर्जिक हो जाता है और उन पेशेंट के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे जो पेशेंट कार्डियक पेशेंट हैं या रेस्पिरेटरी पेशेंट हैं, उनको होली के समय काफ़ी परेशानी हो जाती है, तो उनको काफ़ी संभल के खेलना चाहिए। और जैसा कि बताया गया, इसमें हैवी मेटल्स होता है, हैवी मेटल्स के कारण आपके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो होली की वजह से जो नुकसान हुआ और उसके लिए आप दवाई ले रहे हैं, क्या डॉक्टर को पहले बताना ज़रूरी है कि आप किसी और दवाई पर तो नहीं है? आजकल ये मेडिसिन कॉम्बिनेशन भी बहुत ब्लास्ट कर देते हैं। हाँ, दवा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे दवा बिना डॉक्टर के कंसल्ट के नहीं यूज करना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात पर आश्वस्त करना चाहिए कि जो हमें बीमारी है, जैसे जो क्रोनिक बीमारियां हैं, उसके लिए जो दवाइयां हैं वो दवाइयां तो यूज करनी ही होती हैं। तो उसके साथ साथ यदि इसका होली के संदर्भ में देखा जाए तो हमें स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। कितनी दिक्कत कर सकते हैं ये रंग जिनकी आप बात कर रहे हैं, कि अगर उन्हें आर्टिफिशियल चमक लाई जा रही है या वो स्किन पर हार्श हो रहे हैं, कितना नुकसान कर सकते हैं? अगर आप देखें तो अगर होली है, हम जो लोग हैं फोर्सिबली रंग डालते हैं, अगर आँखों में घुस जाए तो आँखों में कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, आँखों की एलर्जी हो जाती है। कई बार ये केमिकल्स, जैसे मैंने आपको बताया, इनमें हेवी मेटल्स होते हैं, ग्लास होता है, एस्बेस्टस होता है, तो कई बार ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इसके अलावा आपने देखा है कि लोग गटर का पानी डालते हैं, गंदा पानी डालते हैं, या गुब्बारे फोर्सिबली लोगों पर थ्रो करते हैं, तो गुब्बारे का भी इम्पैक्ट अगर वो आँख की पुतली पर पड़े तो कई बार आँख की विजन भी, आई विजन भी चली जाती है। फिर हम स्किन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये हार्श केमिकल्स होते हैं, इनके कारण एलर्जीज हो जाती हैं, रेडनेस हो जाती है, एक एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है, एक्जिमा जिसे हम कहते हैं,
वो हो जाता है, त्वचा पर दाने हो जाते हैं, थोड़ी ऊजिंग हो जाती है, लाली हो जाती है, कुछ अर्टिकेरियल रैशेस हो जाते हैं। और जब ये हवा में हम सूखे रंग फेंकते हैं तो जिन लोगों को एलर्जी है, जैसे सांस की एलर्जी है, अस्थमा है, दमा की तकलीफ़ है, तो उनका दमा बढ़ जाता है, छींकें आने लगती हैं, कुछ पर कई जो केमिकल्स हैं मुंह के अंदर चले जाते हैं तो पेट ख़राब हो जाता है। जो प्रेगनेंसी में कई लोग हैं गर्भवती अवस्था में, तो उनके भी जो बच्चा है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, उस पर भी बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर पूनम, होली की वजह से अगर आपको तकलीफ़ हुई है रेस्पिरेटरी सिस्टम में या पेट में या स्किन पे, ये कितनी समय तक रह सकती है? क्या दवाइयों से इसका इलाज संभव है? देखिए, मैं बिलीव करती हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस ले लें तो आपको इन चीज़ों की नौबत ही नहीं आए। हाउएवर, देखा जाता है कि इनका डेफिनेटली ट्रीटमेंट होता है, पर ये कई बार ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। मैंने आपको बताया केमिकल्स हैं, स्पेशली मर्करी है, एल्यूमिनियम है, लेड है, ये खून में भी एब्जॉर्ब होकर कई बार रीनल टॉक्सिसिटी, कई बार किडनी में लॉन्ग टर्म इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ रंग जो होते हैं कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो इनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ख़राब होते हैं। आप इतनी स्टेज का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है। डॉक्टर अरविंद, आज के समय में बहुत सारे इलाकों में हम देखते हैं कि हर्बल कलर्स आ रहे हैं, घरेलू रंग भी लोग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में रंगों का अल्टरनेट कीचड़ को लिया जा रहा है, या जिस तरह मैम ने बताया गटर का पानी, कितना नुकसान करता है ये? हाँ, गटर का पानी कभी आपके जीआईटी में चला गया, मुंह के जरिए चला गया, तो उससे क्या मतलब वाटर बॉर्न डिजीज हो सकते हैं, तरह तरह के जो बैक्टीरियल या वायरल प्रोटोजोअल बीमारियां हो जाती हैं, तो इससे अवश्य बचना चाहिए। स्कूल्स की बात करते हैं, क्योंकि ये वो समय भी होता है कि स्कूलों की छुट्टियां होने वाली होती हैं, अक्सर हम देखते हैं कि लास्ट डे ऑफ स्कूल है तो बच्चे अपने विद्यालयों में ही रंग लेकर पहुंच जाते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, होली रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, हम लोगों ने भी खेली है, तो हम डिस्करेज नहीं करते लोगों को। हम यही कहते हैं कि केमिकल रंग जो है वो मत इस्तेमाल करिए। आजकल मार्केट में कुछ हर्बल कलर्स जो नेचर फ्रेंडली हैं, इको फ्रेंडली हैं, उनको इस्तेमाल करिए आपको, और जो भी कलर्स हैं वो ब्रांडेड कलर्स करिए, इधर उधर से आप कलर्स मत यूज़ करिए, कीचड़ का प्रयोग मत करिए। और घर में भी कुछ कलर्स बन सकते हैं, जैसे नेचुरल कलर्स है, आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, आप सैंडलवुड का टीका लगा सकते हैं, गेंदे के फूल, गेंदे की पंखुड़ियों को भी आप उपयोग में ला सकते हैं, कुछ तेसों के पत्ते हैं, चुकंदर है, इन सबसे नेचुरल कलर्स होते हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हर्बल कलर्स, नेचुरल कलर्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और किसी को ज़बरदस्ती बैलून्स ना फेंकिए होली में। बच्चों को यही कहना चाहूँगी, होली उनसे खेलिए जिनको खेलनी है, फोर्स मत करिए होली खेलने को किसी को। जी हाँ, स्कूल केवल करियर की नींव ही नहीं बनाते हैं, हमारे भविष्य की नींव ही नहीं बनाते हैं, हमारे स्वास्थ्य को भी मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि विद्यालय में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों सजग हो जाएं। एक आंकड़ा कहता है कि ग्रामीण भारत में लोग अपनी कमाई का करीब 70-75% खर्च बीमारी के इलाज के लिए करते हैं। आंकड़ा ये भी कहता है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी में करीब 3.6% का इजाफा होता है। भारत में अतिसार, हेपेटाइटिस और अस्वच्छता से संबंधित अन्य बीमारियों से 5 साल से कम उम्र के करीब 1000 बच्चे रोजाना मौत की नींद सो जाते हैं। जी हाँ, अस्वच्छता के कारण। कभी सोचा है कि प्रकृति ने तो चारों तरफ सुंदर मनमोहक छटा बिखेरी है, लेकिन हमने इस प्राकृतिक सौंदर्य को कितना कुरूप बना डाला है। मानव ने अपने बच्चों का पूरा जीवन, या यूं कहें कि अपना ही जीवन खतरे में डाल दिया है। इतनी गंदगी, इतना प्रदूषण और इतनी मौतें। लेकिन क्या स्वच्छता ना अपनाने की इतनी बड़ी कीमत हम चुकाते रहेंगे? क्या हमारे बच्चे यूं ही साल दर साल मौत के आगोश में जाते रहेंगे? नहीं, अब हम ये नहीं होने देंगे। बड़े क्या, बच्चे ही स्वच्छता की नई गाथा लिख रहे हैं। आज लगभग हर स्कूल में बच्चों को खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने का महत्व समझाया जाता है। ये आवश्यक भी है, क्योंकि इन्हीं हाथों से हमारे मुंह तक और फिर शरीर में करीब 80% बीमारियां पहुंच जाती हैं। दुख या कहें शर्म की बात यह है कि स्वच्छता की तमाम बातों के बीच आज भी
देश की करीब 63% आबादी खुले में शौच के लिए जाती है और इस गंदगी की भेंट चढ़ता है हमारा भविष्य। साबुन से हाथ धोने के कई लाभ हैं और साबुन से हाथ धोना तो बेहद सरल प्रक्रिया है जिसे बच्चे भी आसानी से सीख जाते हैं। दिन भर में हमारे हाथ कई प्रकार के जीवाणुओं के संपर्क में आते हैं, चाहे आप किसी से हाथ मिलाएं, हल पकड़कर खेतों में कार्य करें, पशु, गोबर, गंदी दीवारें, तो आप अपने को ही संक्रमित कर सकते हैं। अब इस संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका है बार बार हाथों को साबुन से धोना। लेकिन जब हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से अधिक जीवाणुओं या रोगाणुओं से घिरे हों तो हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन इन मुसीबतों से दूर होने का सबसे कारगर तरीका है हाथ धोना। बच्चे साबुन से हाथ धो रहे हैं। सच कहें तो इन बच्चों के प्रयासों से ही आज बड़े भी साबुन से हाथ धोने का महत्व समझ रहे हैं। स्वच्छता की पहली सीढ़ी है हाथों की साबुन से सफाई और इन धुले हाथों की रेखाओं में विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की क्षमता है। आज से और अभी से ही साबुन से हाथ धोने की आदत को अपनाएं और अपने व बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के साथ देश को भी स्वस्थ बनाने में सहयोग दें। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मरद से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मरद ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। रश्मि है? हाँ? मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। बहू, इसमें क्या बड़ी बात है? तो बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है उसका क्या फायदा? मुन्नू का ही तो मल है, इसमें क्या बड़ी बात है? वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं होते। अरे रुको, इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त जानलेवा भी हो सकती है और ये दोनों ही बीमारियाँ खुले में शौच के होने से फैलती है। क्या बड़ी बात? क्या? बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। डॉक्टर अरविंद, होली की बात आती है, रंगों की बात आती है, लेकिन उसके साथ साथ पेट पूजा भी होती है। अच्छे से बहुत सारी मिठाइयाँ, गुजिया, इन सब की बात होती है। ये खाना कितने लोगों के लिए कितना सही है? होली के समय में काफ़ी मिठाइयाँ और ये सारी बनती हैं, लोग खाते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे डायबिटिक के पेशेंट को काफ़ी खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जब मिठाइयाँ बनती है तो उसमें तरह तरह के ये डाले हुए रहते हैं, रंग भी डले रहते हैं, तो उनका हमारे GIT पर हमारे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अब तो अल्टरनेट मिठाइयों में भी आ गया है, बेक्ड गुजिया आ रही है, वो ठीक है खाना? हाँ, वो काफ़ी हद तक ठीक है। डॉक्टर पूनम, एक बहुत महत्वपूर्ण खूबसूरती का अंग है हमारे बाल, होली पे वो भी रंगने से अछूते नहीं रह जाते हैं। किस तरह तैयारी की जाए होली से पहले कि बालों का जो स्वास्थ्य है वो ख़राब ना हो? देखिए, सिर्फ बालों का नहीं, हमें अपनी त्वचा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। होली खेलने से पहले हमें कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं ताकि जो रंग है उनका बुरा इफेक्ट ना पड़े। होली खेलने से पहले आप अपने बालों को अच्छी तरह से ऑयल कर लीजिए, क्योंकि एक ऑयल जो होता है वो एक तरह का बैरियर होता है, वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है ताकि जो रंग हैं वो जो हेयर पर अफेक्ट ना, उनका बुरा प्रभाव ना पड़े। अच्छी तरह बालों को ऑयल करके उनको टाई करके या तो आप एक कैप पहन लीजिए या उसे चुन्नी से ढक लीजिए। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है मुझे बताना कि आप जो आपको पुराने कपड़े पहने हैं, क्योंकि ये जो कपड़े हैं उनको आपको डिस्कार्ड करना है। right. और ये जो कपड़े हैं उनको आपको फुल स्लीव्स पहनना है ताकि त्वचा में कम से कम असर पड़े। अगर आपके हाफ स्लीव्स होगा तो आपका जो हाथ है उन पर, जो आपके आर्म्स हैं, फोर आर्म्स हैं, उन पर भी कलर लगेगा। तो आप पुराने कपड़े पहनिए जो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। आप या नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल की थिन सी लेयर कोटिंग अपने चेहरे पर, जो एक्सपोज पार्ट है गले पर और हाथों पर, अच्छी तरह से लगाइए और उसके बाद
चप्पल पहनी है और ये बहुत बताना ज़रूरी है कि लोग बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, वो जंप करते हैं, इवन लोग जो हैं अडल्ट एक्साइटेड होते हैं और जंप करते हैं, एज अ रिजल्ट जो पानी है फर्श है वो स्लिपरी होता है, तो वो कई बार गिर जाते हैं, उनको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। बहुत माइन्यूटली वॉच किया है आपने और ये चीज़ें आपने ली, वाकई गीला रहता है और ऐसे में फिसलने का डर भी बन जाता है। डॉक्टर अरविंद, हम उन इलाकों की बात करते हैं जहाँ पानी के खुले स्रोत मिलते हैं, नदियाँ हैं, कुएँ हैं, तालाब हैं, होली के दिन वहाँ जब आप रंगों के साथ कूद जाते हैं, उस पानी को आप ख़राब कर देते हैं, उसी पानी का उपयोग फिर भोजन बनाने के लिए किया जाता है, कितना नुकसानदेह है वो। जब होली जब खेलते हैं तो लोग भूल जाते हैं खुशियों के इसमें कि वो जिस पानी को पीते हैं उसी में जाके रंग घोल लेते हैं, और रंग घोलने से फिर क्या वो पानी दूषित हो जाता है और वो कई एक बीमारियों को आमंत्रित करता है जी। तो इससे हमें बचना चाहिए, जो खासकर पीने का स्रोत है उसे गंदा नहीं करना चाहिए। ज़रूरी है हम इस बात का ध्यान रखें कि अपनी घंटे दो घंटे की खुशियों के लिए हम अपने भविष्य को अंधकारमय ना करें। महिलाएं जो घर में खाना बनाती हैं वो इस बात का खास ख्याल रखें कि होली के बाद अगर वो इसी किसी खुले स्रोत से पानी लेकर आ रही हैं तो वो पानी प्रदूषित बिल्कुल भी ना हो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। এ মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি খাটত নমাৰ আগে শুনা মোৰে মনৰ কথাটি সেই পানীৰে নভৰাবা তোমাৰ হাতৰ কলতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি খাটত নমাৰ আগে শুনা মোৰে মনৰ কথাটি সেই পানীৰে নভৰাবা তোমাৰ হাতৰ কলতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি আর্সেনিক বিহৰ দৰে কাম চুলিত ধৰি টানি নিব হোৱা স্বৰ্গধাম হয়নে কি হয় আঁচনিৰে পানী হোৱা এই গাঁৱতে পায় কোনে জানে কিনো কথা কোনে কিমান খায় মইনা চাফা পানীত চাফা কথা যতন কিমান চোৱা হে চাফা পানীত চাফা কথা যতন কিমান চোৱা নিৰ্ভয় মনে সকলোৱে সেই পানীকে খোৱা মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি খাটত নমাৰ আগে শুনা মোৰে মনৰ কথাটি
সেই পানীরে তো ভরাবা তোমার হাতর কলতি মইনা কোন ঘাত লৈ আহিলা লগাই মিশি কাহিতি খাতত নমার আগে শুনা মোরে মনৰ কথা আধা মিনট আপকে চাহনে ৱালোঁ কে সাথ আপকো দিন ভৰ কি খুশি দেতা হে आधा मिनट आपके पसंदीदा गाने का आपको पूरे हफ्ते की ऊर्जा देता है। आधा मिनट क्रिकेट के मैदान पर आपकी पसंदीदा टीम को चैंपियन बना सकता है। और आधा मिनट खाने से पहले साबुन से हाथ धोना आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है, क्योंकि साबुन से हाथ धोने से डायरिया से बचाव होता है। हम साथ मिलकर डायरिया पर विजय पा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। डॉक्टर पूनम, हाइजीन, स्वच्छता एक दिन की ज़रूरत नहीं है, साल के 365 दिन की ज़रूरत है। होली पर हमने तैयारियां कर ली, हम जागरूक हो गए, रंगों का भी हमने ख्याल रख लिया, लेकिन उसके बावजूद अगर हर्बल कलर भी लग जाते हैं या कुछ और रंग लग जाते हैं तो बाद में कैसे इनको साफ़ किया जाए और अपनी सेहत को अच्छा रखा जाए? मैं सभी को बताना चाहूँगी कि आप होली पूरा खेलिए, बीच बीच में मत अपने आप को धोइए। जब होली खेलने का टाइम ख़त्म हो गया उसके बाद आप आकर अपने बालों को खो लीजिए और उसको एक शैम्पू, माइल्ड क्लेंजर, शैम्पू और क्लेंजर से धोइए। अक्सर देखा गया है कि लोग केरोसिन ऑयल से रगड़ रगड़ कर रंग निकालते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। एक कोई सोप, जेंटल सा सोप लीजिए, कोई माइल्ड क्लेंजर लीजिए और जेंटली अपने जो भी जहाँ पर भी आपका रंग निकला है उसको धीरे से वॉश करिए, नहीं तो स्किन में एलर्जी की टेंडेंसीज ज़्यादा हो जाती हैं। और उसके बाद आप अपने बालों को भी सुखाइए और नॉर्मल जो आपके कपड़े हैं वो आप पहन लीजिए। डॉक्टर अरविंद, होली के बाद जो पोस्ट इफेक्ट आते हैं, हम न चाहते हुए भी कुछ नशीले पदार्थों का उपयोग लोग कर लेते हैं होली के दिन अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए, हालांकि हम जानते हैं ये बहुत नुकसानदेह है। उसके बाद हेडेक होना या किसी तरह की परेशानी होना, मिठाइयाँ खा ली तो पेट अपसेट हो जाना, ऐसे में खुद से ली गई दवाइयाँ कितनी ठीक हैं, क्योंकि हम डॉक्टर अपने घर में भी हैं। देखिए, यदि इस तरह की समस्या आती है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, नज़दीक के जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अपने हिसाब से दवाइयाँ नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि इससे और तबीयत गड़बड़ा सकती है जी। और साथ ही साथ हाइजीन एंड सैनिटेशन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यदि आप खाना खा रहे हैं तो पहले, सबसे पहले हाथ धोना चाहिए, नेल कटे होने चाहिए, तो इससे आप काफ़ी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। डॉक्टर पूनम, जब हम साबुन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे भी साबुन हैं जो कपड़े धोने वाले भी आते हैं और हम सोचते हैं साबुन तो है, हाथ धो लिया, और उसे स्किन में एक अलग तरीके की ड्राइनेस आ जाती है, एक रूखापन आ जाता है, उसे कैसे दूर किया जाए? साबुन जो डिटर्जेंट्स हैं उनसे हमको नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोप्स होते हैं जो त्वचा को इरिटेट करते हैं। जो त्वचा का पीएच होता है वो एसिडिक पीएच होता है, तो हमें डॉक्टर की राय से साबुन का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिससे त्वचा में इरिटेशन ना हो, माइल्ड क्लेंसर्स यूज़ करने चाहिए। ये खास मौसम आता है होली का डॉक्टर पूनम, जिसमें स्किन में आपको समस्याएं आई जाती हैं, क्योंकि मच्छर भी बहुत हैं गंदगी की वजह से, और यही मच्छर छोटे छोटे बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया जो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं वो रैशेस क्रिएट कर देते हैं, एक आम आदमी की स्किन पे भी लाल लाल दाने हो जाते हैं, क्या वजह है उसकी? देखिए, मच्छर जब बाइट करता है, मच्छर भी नहीं कई तरह के कीड़े भी आ जाते हैं, बारिश के मौसम में पर्टिकुलरली आते हैं, तो जब मच्छर बाइट करता है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं स्किन में जिससे हमें अर्टिकेरिया हो जाता है, जिसमें हमारे छोटे छोटे महीम से दाने हो जाते हैं, चमड़ी पर स्वेलिंग हो जाती है जिसे हम पैपुलर अर्टिकेरिया कहते हैं। तो इनसे हम यही कहते हैं कि मच्छरों से बचाव रखें, अपने सामने जो अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स हैं, वातावरण, उनको साफ रखें, पानी जगह जगह कलेक्ट ना होने दें, क्योंकि आपको पता है अब कुछ दिनों बाद बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी, तो जहाँ पर भी पानी कलेक्ट होता है वहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं, जहाँ भी गंदगी होती है वहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि कूड़ा भी जो है उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालें, ज़मीन में चलते फिरते चीज़ों को नहीं करें, फेंकें, जगह जगह डस्टबिन रखना होना चाहिए, घर का कूड़ा भी एक प्रॉपर जगह पर करें, जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करें ताकि आपके एनवायरनमेंट्स जो है वो साफ रहे। अब इजाज़त लेने का वक्त है। डॉक्टर पूनम, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी चलते चलते हमारे दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूँगी कि होली खुशियों का त्यौहार है, इसमें ज़रूर खेलिए, किसी को फोर्स मत करिए, जो खुशी से खेलना चाहता है उसके साथ खेलिए, और नेचुरल हर्बल कलर्स यूज़ करिए जो स्किन फ्रेंडली हैं,
और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इमीडिएटली त्वचा रोग विशेषज्ञ, या अगर आपको कोई एलर्जी होती है जैसे चेस्ट में एलर्जी है तो आप फिजिशियंस को कंसल्ट करिए। डॉक्टर अरविंद, खाना पीना मिठाइयाँ कितनी खा लें? हाँ, इसमें खाने के लिए मनाही नहीं है, खाना अवश्य खाएं, लेकिन हेल्थ एंड हाइजीन एंड सैनिटेशन पर ध्यान रखना चाहिए। अगल बगल के गली मोहल्लों सब इसको स्वच्छ रखने के लिए आपको पॉलीथीन का यूज नहीं करना है। खाना खाने के पहले हैंड वॉश अवश्य करनी चाहिए और साथ ही साथ नेल कटे होने चाहिए, तो इससे क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ता है। और हम हर त्यौहार का, हर मौसम का बहुत मज़ा ले सकते हैं। होली की एक बार फिर आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आओ कुछ चिंतन करें, अपनी सोच अपने ख्यालों में कुछ रंग भरें, ताकि जिंदगी हो जाए रंगीन, कुछ भी ना रहे गमगीन। चहु और स्वच्छता की कामना लिए आपसे बहुत जल्द हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ सेफ होली। और हाँ, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी कोई बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं इस पते पर। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है sp@ddkdelhi.org.in। स्वच्छ भारत का कोई भी एपिसोड अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube पर आपके लिए उपलब्ध है। अब आपसे इजाजत लेते हैं, देखते रहिए दूरदर्शन। नमस्कार।